नमस्कार, मेरा नाम काजल है और पिछले अंक में मैं आपसे मुखातिब हुई थी, आपसे रूबरू हुई थी। रंगमंच के बारे में हमने कुछ बात की थी, लेकिन इस बार मैं रेडियो नाटक के बारे में आपसे बात करना चाहूँगी, क्योंकि रेडियो नाटकों से मैं जुड़ी हुई हूँ। रेडियो नाटक आकाशवाणी दिल्ली में मैं आजकल देखती हूँ, और रंगमंच से तो मेरा जो ताल्लुक है वो बचपन से ही है। और नाटक तो नाटक होता है, चाहे वो आकाशवाणी में हो, रेडियो में हो, या फिर स्टेज पर हो, या फिर टीवी पे हो, लेकिन तीनों जगह जो करने का तरीका होता है वो अलग होता है। और मुझे लगता है कि चूंकि मैं तीनों मीडियम से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे लगता है कि रेडियो नाटक जो है वो बहुत थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन रेडियो नाटक आपको बहुत कुछ सिखा देता है। मुश्किल है लेकिन बहुत कुछ आपको सिखा देता है। आपकी स्पीच को इम्प्रूव करता है रेडियो नाटक, आपका आपके डिक्शन को इम्प्रूव करता है रेडियो नाटक, आपकी वॉइस जो मॉड्यूलेशन है उसको इम्प्रूव करता है रेडियो नाटक, और आपको आग में तपा कर कुंदन बनाता है रेडियो नाटक। तो रेडियो नाटकों की अगर हम बात करें तो आप में से जो लोग रेडियो नाटक से जुड़ना चाहेंगे, स्पेशली उनके लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि रेडियो नाटक में ऑडिशन होता है नाटकों से जुड़ने के लिए, और आकाशवाणी में नाटक अनुभाग में ऑडिशन फॉर्म मिलता है, और जब आपको ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है, आपका वॉइस टेस्ट होता है, आपकी मॉड्यूलेशन, आपका डिक्शन, आपकी स्पीच, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। एक पैनल ये चीज़ें देखता है, एक्सपर्ट्स का पैनल ये जो होता है वो चीज़ें देखता है, और फिर जब आप अगर अप्रूव होते हो उस ऑडिशन में, तो आप फिर आकाशवाणी के नाटक कलाकार बन जाते हो। और उस आपका जो ग्रेड होता है, शुरुआती ग्रेड, जैसे शुरुआती बी ग्रेड है, उसके बाद बी हाई है, उसके बाद ए ग्रेड है, तो हर ग्रेड की अलग अलग फीस होती है जो आकाशवाणी अपने नाटक के कलाकारों को नाटक के बाद देता है। जिस नाटक में वो पार्टिसिपेट करते हैं उनको उसका पेमेंट दिया जाता है। तो ये तो रही रेडियो ऑडिशन की बात। तो रेडियो नाटक करना बहुत आसान नहीं होता। जैसे अगर हम स्टेज की बात करें, जब हम स्टेज पे नाटक करते हैं तो हमारी बहुत सारी चीज़ें हमारी मदद करती हैं। आपका सेट आपकी मदद करता है, आपके कॉस्ट्यूम मदद करते हैं, आपका मेकअप मदद करता है, बॉडी मूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज, आपकी ब्लॉकिंग, बहुत सारी एक्सप्रेशंस, फेस के एक्सप्रेशंस, बहुत सारी चीज़ें आपकी हेल्प करता है। और ऐसे ही टीवी के नाटकों में भी होता है। अगर हम टीवी में नाटक कर रहे हो तो वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पर कट कट करके भी चीज़ें होती हैं, एडिटिंग होती है चीज़ों की, जबकि स्टेज में एडिटिंग नहीं होती। रेडियो के नाटकों में एडिटिंग होती है जब हम नाटक करते हैं, लेकिन रेडियो के नाटकों में आपको अपनी आवाज के माध्यम से एक पेंटिंग जैसी बना के दर्शकों तक आपको पहुंचानी पड़ती है, कि क्योंकि चूंकि जो दर्शक है वो आपको देख नहीं रहा, वो आपका नाटक सुन रहा है, और वो आपकी आवाज़ सुन के, आपकी आवाज़ में जो इमोशंस हैं उन सब चीज़ों को देख कर वो उन सब चीज़ों को देखकर ही वो एक पेंटिंग सी डेवलप कर रहा है। उसको पता चल रहा है कि जो क्या क्या हो रहा है, और उसके सामने एक शब्दों के का एक चित्र सा बन जाता है, और वो महसूस करता है। वो रेडियो के जरिए उस इरा में पहुंच जाता है जहां जिस इरा में वो नाटक हो रहा है। और चूंकि रेडियो की जो रीच है वो बहुत दूर दूर तक है, गाँव गाँव तक है, तो रेडियो बहुत मकबूल है, स्पेशली रिमोट एरियाज में, और लोग नाटक सुनना बहुत पसंद करते हैं। तो अगर हम रेडियो, टीवी और स्टेज की बात करें तो तीनों में बहुत डिफरेंस है। अगर हम जैसे नॉन वर्बल जो नाटक होते हैं वो रेडियो पे नहीं हो सकते, वो तो सवाल ही नहीं उठता कि नॉन वर्बल नाटक हम रेडियो पे करें, क्योंकि रेडियो में आपके डायलॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। तो स्टेज पे तो आप बिना डायलॉग्स के भी नाटक कर सकते हो, नॉन वर्बल प्लेस तो होते हैं। सेम गोज़ विद टीवी में भी, कई बार आप नॉन वर्बल प्लेस कर सकते हो, माइम्स होती हैं जो आप रेडियो पे नहीं हो सकते, क्योंकि रेडियो में आप अपने शब्दों से आर्टिस्ट जो कलाकार है वो अपने शब्दों से नाटक को आगे बढ़ाता है। उसका जो पंक्चुएशन होता है लव सेंटेंसेस का को लेकर, उसका जो ब्रीदिंग होता है, जो स्ट्रेस उसको कहाँ लेना है, उसका डिक्शन कैसा है, ये सारी चीज़ें रेडियो नाटक सिखाता है। आपकी स्पीच बहुत बहुत बढ़िया हो जाती है रेडियो नाटक में काम करके, आप चीज़ों को बहुत फील करके, क्योंकि रेडियो नाटक में खाली आवाज़ नहीं होगी। अगर खाली आवाज़ से आप बोलोगे तो वो फेक होगा। आपको उस करेक्टर को, जैसे हम जब हम स्टेज पे काम करते हैं तो हम उस करेक्टर को फील करते हैं, तभी हम रियल एक्टिंग कर पाएंगे, वही रियल एक्टिंग हम अपने दर्शकों को दे पाएंगे। उसी तरह अगर आप हम रेडियो पे एक्ट कर रहे हैं तो जब तक हम उस करेक्टर को फील नहीं करेंगे,
तो हमारी जो फीलिंग है वो उस दर्शक तक नहीं पहुंच पाएगी जो हमें सिर्फ सुन रहा है। तो कनेक्शन, जैसे कनेक्शन जो वर्ड वर्ड होता है, जैसे हमने पिछले एपिसोड में कहा था कि जो कनेक्शन वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यही कनेक्शन वर्ड कनेक्टिविटी जो होती है वो रंगमंच में भी बहुत ज़रूरी है, यही कनेक्टिविटी रेडियो के नाटक करने के वक्त भी बहुत ज़रूरी है। फीलिंग्स बहुत ज़रूरी है, रस बहुत ज़रूरी है, जो रस आपको रंगमंच के लिए जो रस ज़रूरी होते हैं वही रस आपको रेडियो नाटक में भी वो रस बहुत ज़रूरी होते हैं। तो रेडियो नाटकों की हम अगर बात करें तो ये ऑलमोस्ट जैसे स्टेज के जो नाटक होते हैं उन नाटकों को हम रेडियो के लिए कर सकते हैं। जैसे मोहन राकेश का एक नाटक है आषाढ़ का एक दिन, तो जितने भी रंग कर्मी हैं वो इस नाटक से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। ये क्लासिक है आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का। तो जब उन्होंने ये नाटक लिखा उसके बाद उन्होंने खुद ही इस नाटक को रेडियो के लिए भी अडेप्ट किया। रेडियो क्योंकि स्टेज का नाटक अलग है और बहुत डिटेल उसमें चीज़ होती है, हर चीज़ की डिटेलिंग होती है, तो वो 2-2.5 घंटे का नाटक होता है, लेकिन जब रेडियो के लिए उसको अडेप्ट किया गया, उसका रूपांतरण किया गया, तो उसको बहुत सारी चीज़ें आपको जहन में रखनी होती हैं। तो वही मोहन राकेश ने इस नाटक को, अपने ही नाटक को रेडियो के लिए भी उन्होंने इसको अडेप्ट किया था। तो लेकिन जैसे उसके जो डायलॉग्स हैं वो स्टेज के लिए हैं, जैसे जिसमें बहुत सारी चीज़ें उसको कवर करती हैं, आपका जैसे मैंने बताया कॉस्ट्यूम कवर करता है, आपका सेट होता है, लाइटिंग होती है, ये सारी चीज़ें कवर करती हैं। लेकिन रेडियो के जो नाटक होते हैं उसमें म्यूज़िक के साथ आप और अपनी आवाज़ के साथ आप खेलते हैं, चीज़ों को खेलते हैं, इमोशंस बहुत ज़रूरी है। जैसे उसका ओपनिंग एक एक डायलॉग है जिसमें मल्लिका कहती है आषाढ़ का पहला दिन, आषाढ़ का पहला दिन माँ, और इतनी वर्षा माँ कि दूर दूर तक की घाटियाँ तक भीग गई, इतनी वर्षा माँ। तो इस डायलॉग के माध्यम से ये जो डायलॉग है इतनी फीलिंग से जो कलाकार बोलेगा, इसके साथ म्यूजिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बारिश बादल का इफेक्ट होगा, तो ये जो आपका लिसनर है वो इन चीज़ों को सुनेगा और वो उस बारिश में पहुंच जाएगा, जो बारिश हो रही है फील करेगा कि वाकई ये बारिश हो रही है, उन चीज़ों में वो पहुंच जाएगा। लेकिन जब रंगमंच जब हम थिएटर करते हैं तो वहां पे आप कि जैसे मैंने कहा कि बाकी चीज़ें आपकी हेल्प करती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका मेकअप, आपकी बाकी कनेक्शन, तो दोनों में ज़रूरी है, लेकिन ये चीज़ें हेल्प करती हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं और वो ऑडियंस आपकी उस कनेक्टिविटी से और उन चीज़ों के जरिए उस इरा में पहुंच जाता है। और यहाँ पे रेडियो में ये सारी चीज़ें एक आवाज़ के माध्यम से जो आपका ऑडियंस है, जो आपका लिसनर है, वो इन चीज़ों को फील कर रहा है। इसलिए आपको स्ट्रेस, इसलिए बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, आपको स्ट्रेस कहाँ लेना है, आपको पॉज कहाँ लेना है, आपको डायलॉग कैसे बोलना है, आपको आपकी मॉड्यूलेशन कैसी होनी चाहिए, आपका ब्रीदिंग तो बहुत ज़रूरी होती है, चाहे हम रंगमंच में नाटक करें, रंगमंच के लिए नाटक करें या रेडियो के लिए नाटक करें, आपकी ब्रीदिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें आपको रेडियो नाटक सिखाता है। रेडियो नाटक करना बहुत आसान नहीं है, एक तपस्या है, लेकिन इससे आप बहुत कुछ सीख जाते हैं, बहुत कुछ इस नाटक इसके ज़रिए आप सीखते हैं। तो रेडियो नाटकों के बारे में हम अगली बार भी बात करेंगे, साथ में रंगमंच और रेडियो नाटक में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं इनके बारे में भी हम बात करेंगे अगले अपने अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।